हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराती रहेगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा ढेर सारा ख्याल रखने के लिए सबको बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने बैक पेन का बोला है ना, आप लोगों का इतना मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे हैं और मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं। अभी मैंने वो दिया नहीं रिप्लाई, क्योंकि ये थी ना, ये होता है तब मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। ये बोलते हैं फोन छोड़ो, मैं हूँ तो फोन छोड़ो, तो ऐसे। तो अभी मैं दूंगी। और अभी बैक पेन भी इतना ज़्यादा है कि मैं बस वीडियो बनाने के लिए फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत टिकटॉक कर लेते हैं जब ठीक होता है। दवाई ली थी ना तब ठीक था। अभी शाम के वही डेट वही है, 21 तारीख है, शाम के 7 बज चुके। अभी बच्चे आ गए थे, एक व्लॉग खत्म किया मैंने और फिर ये आस पड़ोस वाले सारे बच्चे आ गए, फिर ये बातें बनाने लगे मेरे साथ। फिर क्रिसमस पार्टी के बोल रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं क्रिसमस पार्टी के नाम से। तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं। अभी क्रिसमस की शॉपिंग भी मैं लास्ट व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। तो इतना प्यार देने के लिए आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कभी पता ही नहीं था कि इतने लोग मुझे प्यार करेंगे, इतने लोग मुझे चाहेंगे। और सच में बहुत अच्छा लगता है कि इतना फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा प्यार देते हो आप मुझे। कितना अच्छा लगता है कि जो बिल्कुल अपने ना खून के रिलेशन, उससे भी ज़्यादा मतलब इतना केयर जताना और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पता है आजकल मैं बोर नहीं होती। मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ ना, मैं दुखी होती क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है। यूट्यूब फैमिली मेरी, इतनी प्यारी फैमिली मेरे पास है, तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं दाल के दही बड़े बनाती हूँ, उड़द की दाल के, तो वो बता दूंगी। रेसिपी तो सबको आती है, बस उसको पीसूंगी दाल को, फिर बड़े वाले बनाने से ड्राई फ्रूट्स डालने, ऐसे कपड़ा लेते हैं गीला, उस पर दाल रखते हैं खूब सारी और उसको फैलाते हैं, उस पर वो रखते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड देन उसको ऐसे कर देते हैं, पलट देते हैं और उसे तेल में डाल देते हैं। इसी तरीके से आप स्टफ्ड दही बड़े भी बना सकते हैं, कुछ कोई भी स्टफिंग डाल दीजिए। तो चलिए बनाते हैं, पहले मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो बस दाल मैंने तैयार कर ली है, ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में निकाल लूंगी और फिर बस बनानी है। काजू थोड़े से कट कर लूंगी, किशमिश और बादाम कट करके और बीच में डाल डाल के बना लूंगी। चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, चाहे तो कोई सब्जियों की स्टफिंग भर सकते हैं। तो तेल गरम होने चढ़ा दिया है मैंने। अब कैसे बनते हैं दही बड़े बनाना तो मुझे भी पता है, सबको आता है, कैसे वो बनाते हैं वो मैं बस बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए दाल जो है पीस ली है मैंने, मिक्सी में ग्राइंड कर ली है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कट कर लिए मैंने छोटे छोटे, और ये मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ ताकि मुझे इसको फिर दाल को मथना नहीं पड़ता है। झट से बिल्कुल स्पंज जैसे दही बड़े जो है बन जाते हैं एकदम इंस्टेंट। तो ये गीला कपड़ा मैंने कर लिया, उसमें दाल डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर इस दाल को फैलाऊँगी और इसके बीच में जो है ये ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी। ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद इस कपड़े को ऐसे हम फोल्ड कर देंगे और ऐसे कर लेंगे और फिर हाथ में पानी लेकर ये जो दही बड़ा है ना वो हाथ में ले लेंगे और इसको फिर तेल में डाल देंगे। देखिए बड़ा वाला दही बड़ा बन जाता है, ये देखिए तेल में ऐसे डाल देना और बस फिर वो इसको फ्राई कर लेना बिल्कुल मध्यम आंच में। एक और बना के बता देती हूँ। ये देखिए दाल ली, हाथ में पानी लगाया और इसे ऐसे फैलाया, दाल को ऐसे फैला देंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स रखा और फिर जो है इसे वापस से कपड़े के साथ पलट देंगे और फिर वापस से थोड़ा सा हाथ में पानी लेंगे, क्योंकि उड़द की दाल चिपकती है ना तो थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं ना तो फिर ये चिपकती नहीं है, आसानी से उतर जाती है। तो बस देखिए एक बड़ा तो तैयार हो चुका है और ऐसे ये दो और हो जाएंगे और ऐसे सारे बड़े जो है मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बड़े बड़े दही बड़े बन गए, अब बस ये आएंगे तभी खा लेंगे। कुछ राजमा रखा है और चावल थोड़े से, या तो और बना लूंगी या रोटी बना लूंगी। तो बस यही होगा डिनर में, क्योंकि वापस से बैक पेन उठ गया, दवाई का मे भी असर खत्म हो गया। पता है मुझे इस साइड नहीं, इस साइड मुझे ऐसा लग रहा है स्वेलिंग आ गई है, क्यों आ गई देखना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं होता है आज कल में तो फिर दिखा के आऊंगी क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं ढंग से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और वापस से पेन उठ जाता है। बस ये बस बड़े बनते हैं, फिर एक बार मैं रेस्ट करूँगी और रेस्ट कर करके काम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि सो हाय फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और मैंने फिर कल व्लॉगिंग नहीं की थी, मुझे बैक पेन हो गया था। अभी इलू के कमरे में आई हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई करके क्रिसमस टाइप का कुछ कर दें, रेड रेड बच्चों की पार्टी ये लोग कह रहे हैं तो रेड एंड वाइट थीम कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। क्रिसमस ट्री वगैरह इस रूम में ले आई हूँ, अच्छे से झाड़ू पोंछ के और बेडशीट और बदल दूंगी। इलू के पास ऐसी वाली रखती है, इलू का पिंक रूम है ना तो यही वाली बेडशीट रखती है, ये दो तीन है ऐसी इलू के पास, तो ये चेंज कर दूंगी
और देखूंगी अगर कोई रेड बेडशीट हुई तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा लुक दे देंगे, या पंखे पे स्टार लगा दिया या ऐसे कुछ करके, देखते हैं कैसे करते हैं। क्रिसमस पार्टी की तैयारी, और क्रिसमस ट्री को कैसे बिना सामान के सजाया जाए। आपके घर में जो भी सामान रखा हो ना, जैसे कि कोई हमारे पास रहता ही है ये पेपर पैकिंग वाला, कोई ना कोई पुराना रखा ही होता है, तो वो ले ले। माचिस की डिब्बी रखी हो तो उसको इससे रैप करके हम किस क्रिसमस ट्री पे लगा सकते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है, जैसे गिफ्ट होती है। और कोई छोटी छोटी बॉल आपके पास रखी हो, कोई भी छोटी बड़ी जो भी है, उसको भी ऐसे रैप करके, ये देखिए गोल गोल ऐसे हो जाएगा, तो हमें बाहर से सामान लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बिल्कुल कम दाम में अच्छे से क्रिसमस ट्री को सजा सकते हैं। इसी तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम कैंडी भी बना सकते हैं, ये बॉल है, या कोई जो अपना गत्ते होते हैं ना, कोई भी घर पे कोई गत्ता या डब्बा रखा उससे आप कट कीजिए स्टार की शेप, उस पर ऐसा कुछ पेपर चिपका दीजिए या फिर कलर कर लीजिए। तो इस तरीके से हम किसी बहुत से तरीके से क्रिसमस ट्री को बिना सामान लाए बाहर से। बाहर से हम अगर लाते हैं ना सामान, तो वो कितने कितने के बहुत महंगे आते हैं, 50 रुपए का एक पैकेट, और पैकेट में ही कई लोग तो देते हैं, खुला भी नहीं देते। तो इस तरीके से हम सजा सकते हैं, देखते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ऐसे पुराना रखा था ये, इसे मैंने चौकोर कट कर लिया। आप चाहें तो एक ही पेपर से, या तो आप सिल्वर साइड ले सकते हैं या गोल्डन। तो एक बॉल में सिल्वर कर दूंगी और एक गोल्डन। तो ये मेरे पास दो बॉल रखी है, इसको ऐसे किया और बस ऐसे किया एंड देन इस पे टेप कर देंगे हम, चिपका देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें रैप कर देना, और उसे फिर कोई भी गोल्डन धागा हो या बिना गोल्डन जो धागा, गोल्डन ना हो तब भी हम इसे ऐसे फिर लटका सकते हैं, ठीक है। ये देखो तैयार हो गई, बॉल्स तो तैयार हो गई, अब हम इन्हें लटका देंगे क्रिसमस ट्री पे। ऐसे ही मैं माचिस की जो ये डब्बी है ना, खाली है, भरी हुई नहीं, खाली खाली पे जो है ये रैप कर दूंगी, पैकिंग पेपर से इसको पैक कर दूंगी और फिर इसको सजा देंगे। और टॉफी भी हम बना सकते हैं ना, टॉफी कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये सब भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। इसका नाम है पलक, पलक। व्हाट्स योर नेम? कृष्णा। कृष्णा इलू, यू नो मी, यू नो मी। तो देखो ये लोग ये बाहर से लेके आए थे, ठीक है, बॉल वगैरह, और इसको ऐसे दबाएंगे ना पचक हो जाएगी, ठीक है। और ये सेंटा ऐसा लेके आए थे और ये टूट भी गया है इसका, ये वाला। तो बाहर वाली इतनी कच्ची होती है चीजें, तो हम घर पे भी बना सकते हैं ऐसे और फिर डेकोरेट कर सकते हैं। और ये भी देखो इन बच्चों ने ही बनाई है, ये देखो पेपर से कलर। और ये भी बनाना, ये देखो है ना, माचिस की डब्बी से गिफ्ट भी बन गया, ठीक है। अब हम इसे क्रिसमस ट्री पे सजा देंगे। ये हम बनाने जा रहे हैं टॉफी, ठीक है, तुमको सीखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर को मैं ऐसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी ऐसे, अभी बताती हूँ रुको। तो ये देखिए ये साइज मैंने इसका बना दिया न्यूज़पेपर को फोल्ड कर करके। अब मैं इसमें इसको रैप करके दोनों साइड से टॉफी वाला पैकिंग कर दूंगी, तो ये टॉफी बन जाएगी, है ना। अभी दिखाते, ये देखिए इसको पैक कर दिया। अब इसको ऐसे ऐसे कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे टेप लगा दूंगी, तो ये ऐसे टॉफी बन जाएगी। इसको इधर से भी ऐसे कर देंगे, दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए ये टॉफी भी बन गई, अब इसको भी क्रिसमस ट्री पे लगा देंगे। बार बार क्रिसमस बोलना होता नहीं है, ये देखो टॉफी भी बन गई और ये गिफ्ट बन गया, बॉल का बॉल भी बन गई। तो इस तरीके से हम कई चीजें बना लेंगे। अभी हम कैंडी भी बनाएंगे वैसी वाली, वो भी दिखाते हैं। गाइस ये है कॉपी का गत्ता, ठीक है, कोई भी पुरानी कॉपी का लिया, फालतू वेस्ट जो मटेरियल है उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये कॉपी का गत्ता है, इस पर मैं स्टार ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं जो मून और हाफ मून है वो ड्रॉ कर सकती हूँ उस पर, फिर ये
या तो ये लगा दो या ये चिपका दो तो वो भी डेकोरेशन का सामान बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टार भी बन गया। ऐसे ही हम हाफ मून भी ड्रॉ कर सकते हैं और सिल्वर कलर का उस पर लगा सकते हैं। तो एक ही गिफ्ट पेपर से ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ऐसी कई कैंडी भी बनाएंगे। कैंडी के लिए आप ला सकते हैं वो कौन सी थी, कलर्ड टेप होती है ना, कलर्ड रेड ग्रीन और जो बहुत आती है डबल, दो ले लीजिए कलर, देखिए एक रेड एंड एक गोल्डन। और कैंडी को ऐसे अखबार को ऐसे मोड़ के और ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे छड़ी जैसी वो बना ली शेप और फिर उसको ऐसे ऐसे लपेट दो तो वो कैंडी बन जाएगी। तो कैंडी भी तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बना लिया है ये स्टार, ठीक है, वैसे जैसे मैंने बताया था, ये बेल और ये हाफ मून। देखो कितना सारा सामान हो गया बना डेकोरेट करने को, ये सब हो गया। अभी हम सबसे कार्डशीट भी रखी है तो बच्चों के लिए मास्क भी बना दे सेंटा ड्रॉ करके, तो मास्क भी बन जाएगा, है ना। देखो ऐसा वाला इन्होंने बच्चों ने मिलके बनाया, ये देखो ये ऐसा करके और मास्क भी बन सकता है। तो हम बच्चों को कई तरीकों से खुश कर सकते हैं ये सब कर करके, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती है कभी कभी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मे भी ये ब्लॉग मैं कल डाल दूँ या परसों डाल दूँ, तो क्योंकि आज तो नेट बंदी है यहाँ पे, तो मेरा आज का ब्लॉग भी नहीं गया है भाई। तो चलो फिर और कुछ भी बनाया तो आपसे शेयर जरूर करें। कैंडी भी बना ली फ्रेंड्स, ये देखिए कैंडी अखबार को ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके कैंडी बनाई, फिर मैंने इस पे ये सेलो टेप लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ये रेड वाली टेप और व्हाइट वाली बना देंगे तो ये कैंडी बन जाएगी। ये 5-5 रुपए की आती है, इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 5 रुपए का ये आता है, सबको ही पता है। तो करके मैं इस पे लपेट करके फिर आपको दिखाती हूँ कैंडी। तो ये ट्री पे ये भी हम लगा देंगे, आज का व्लॉग बस यही वाला होगा, है ना। तो ये लीजिए हमारी कैंडी भी तैयार हो गई है ना। और घर पे रखे सामान से अखबार से न्यूज़पेपर से बताओ तो कितना अच्छा यूज़ है ना न्यूज़पेपर का। और इस तरीके से हम घर पे रखे सामान से कई चीज़ें बना करके ट्री को डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं, बाहर से जो लाएंगे ना वो कच्ची मच्ची होगी और जो घर पे बनाएंगे वो पक्की पक्की सी बनेगी। तो ये देखिए अब हम जब भी जैसे है ना तैयार हो चुकी है सारी चीज़ें, अब ट्री को डेकोरेट कर देंगे और लाइट लगा देंगे रेड वाली, ट्री डेकोरेट हो जाएगा। फिर रूई से बर्फ बना देंगे ट्री पे, जब मैं पूरा ये सब करूंगी ना वो भी आपसे शेयर करूंगी। सो गाइस ये देखिए अपने अपने लिए मास्क बना रहे हैं सारे बच्चे, से हाय हाय। अच्छा इन्होंने तो अपना नाम बता दिया था, इसने नहीं बताया था, ये थी क्या नाम है आपका, आयुषी, और वो उसको आप जानते हो, ये है रिपु दमन सिंह, और ये नाम भूल गए अपना गोवर्धन मीना, और ये कृष्णा, इसका इसने बता ही दिया था, ये है पलक, इसका ही बर्थडे मना था, है ना। यहाँ से ये आ रही है चलते हुए करीना, करीना कपूर है ये। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान तैयार हो गया था ना, तो मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रही थी, जो भी बनाया था ना वो लगा दे रही हूँ। और जो है बर्फ़ के लिए मैंने रुई से कर दिया था, रुई मेरे पास थी नहीं तो जो बातियाँ बनी हुई आती ना उनको मैंने और इलू ने मिलकर तोड़ लिया था और फिर उससे ट्री पे ना बर्फ़ बना दी थी रुई की। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जो सामान घर पर रखा हो उससे ट्री को डेकोरेट कर सकते हैं और इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये देखिए गाइस ये मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए लाइटिंग भी लग गई है और रुई से हमने बर्फ भी बना दिया, ये देखो लाइट ऑफ करके भी आपको बताते हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। अभी तो और अच्छे से करूँगी क्रिसमस तक। तो ये हमारा क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेट हो चुका है।
सो गाइज अभी रात के 8 बज चुके हैं, या गए हैं तो हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। संडे है ना तो आउटिंग ज़रूरी है, और सुबह तो ये थे नहीं। और सुबह का सारा मैंने आपको दिखाई दिया कि क्रिसमस की तैयारी की, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया, मैंने खाना बना लिया है। खाने में बस ओनली पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई, तो वो तो मैंने आपसे इतनी शेयर नहीं किया। और आज नेट अब आ गया है, अब नेट बंद हो गया था और आज नेट आ गया, अब मैं व्लॉग डालने वाली हूँ बस। और आज दिया का बर्थडे था तो मेरा नेट इतना लेट आया ना कि मैं विश नहीं कर पाई। अब मैं व्लॉग डालूंगी तब रात को पहुंचेगा। और कल जो है 23 तारीख, तो 23 तारीख को है अविन का बर्थडे, विजेता जी के लड़के का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे अविन, मे गॉड ब्लेस यू। आज अविन के लिए भी अपन सॉन्ग गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अविन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अविन ही है ना, मैं भूल नहीं रही हूँ नाम गई, तो 23 तारीख को शायद उनका था इसलिए। तो अभी घूम घाम के आते हैं, क्रिसमस का कुछ सज गया होगा ना वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो शेयर करूंगी आपसे, ठीक है। अभी चलते हैं। और मैंने बस ये पहन लिया, आज सर्दी बहुत बढ़ गई है ये बोल रही, तो मैंने हाईनेक एक बार डाल लिया, ऊपर से ये स्वेटर डाल लिया और जीन्स डाल लिए, तो बस अब निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जीटी में आ गए थे, गौरव टावर वाला सेकंड पार्ट जो है ना वहाँ पे, फिर फर्स्ट वाले में भी जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है न्यू ईयर तक ऐसे इवेंट भी होते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो इलू का आज ही हमने दिखा दिया था, क्योंकि 25 तारीख को थोड़ा मुश्किल था, इसके पापा लेट आते हैं ना, तो 25 को ये बच्चे बोल रहे घर पे ना पार्टी कर लेंगे, तो आज इसको पूरा दिखा दिया था कि कैसे कैसे क्रिसमस का डेकोरेशन हुआ है। अभी वैसे और भी मॉल है वहाँ पे भी होता है डेकोरेशन, तो हो सका तो इसको न्यू ईयर तक वहाँ पे भी ले जाएंगे। तो गौरव टावर बहुत अच्छा सजता है, तो मैंने सोचा इलू को दिखा देते हैं। तो बस आप भी एंजॉय कीजिए। और फिर घर जाके थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे।
हम बर्गर यहाँ चलना है ना, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, कौन से में बर्गर किंग में बर्गर खाते हैं, चलो। बस क्रिसमस का जितना भी डेकोरेशन है ना, वो गौरव टावर वाला, वो आपको मैंने दिखा दिया है। इसके बाद हम घर आ गए थे, दो दो रोटियां बनाई और खाई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।